अगर 90s का किड हो तो टाटा सियरा को तो आपने बचपन में देखा ही होगा और वो पक्का आपकी एक फेवरेट कार तो जरूर रही होगी। अब फाइनली इतने सालों बाद टाटा मोटर्स सियरा को वापस ले आई है एक कॉन्सेप्ट के रूप में और इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के रूप में। अब सियरा फेमस थी अपने थ्री डोर बॉडी स्टाइल के लिए और यहाँ पे सियरा कॉन्सेप्ट में भी हमें देखने को मिलता है वही थ्री डोर आइकॉनिक डिजाइन। जो रैप अराउंड रियर ग्लास है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 की लैंग्वेज पे बेस्ड है तो अप फ्रंट जो है आपको वही सिमिलर इम्पैक्ट डिजाइन 2 के हाइलाइट्स मिलेंगे, यानी कि स्प्लिट हेडलैम्प, ऊपर DRL, नीचे मेन हेडलैम्प यूनिट, साथ में ही जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको हल्की सी हैरियर की झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइड से ये कार जो है काफी ज्यादा मैच्योर, काफी ज्यादा थोड़ी सी लैंड रोवरिश टाइप का आपको फील देगा। स्पेशली जो रैप अराउंड ग्लास एरिया है वो बहुत ही अच्छा लगता है एंड ओवरऑल जो डिजाइन है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेलिंग और निखार के जो है यहाँ पे टाटा मोटर्स ने लाई है। रेयर की अगर बात करें तो रेयर में काफी सिंपल सा है, रनिंग LED टेल लैंप आपको देखने को मिलेगा। जो ओरिजिनल सियरा थी उसमें आपको स्पेयर व्हील जो है वो रेयर डोर पे माउंटेड था, बट इस कॉन्सेप्ट में जो है ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन है वो काफी सिंपल लेकिन काफी अच्छा लगता है। इंटीरियर्स की अगर बात करें तो इंटीरियर्स एक बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट वर्जन वाला इंटीरियर है, तो यहाँ पे इंटीरियर्स में जो आपको खूब सारे ग्रीन का इस्तेमाल दिखेगा जो कि दर्शाता है कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिक ग्रीन व्हीकल है, मदर अर्थ को बचाता है। एंड इंटीरियर्स में भी जो है आपको एक बहुत ही मतलब एलिगेंस वाली फील देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन वर्जन का इंटीरियर कैसा होगा उसके बारे में तो खैर अभी बताना मुश्किल है, बट ये कार जो है अल्फा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जिसपे नई एल्ट्रॉस भी बनी हुई है। ओवरऑल ये कार जो है आने वाले टाइम में हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। कब आएगी इसके बारे में टाटा मोटर्स ने जो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टाटा नेक्सॉन ईवी का ज़िप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी का जो है इसमें भी डाला जाएगा। नेक्सॉन के पैकेज को देख के हम कहीं ना कहीं हिसाब लगा सकते हैं कि उसी टाइप का मोर ऑर लेस पैकेज जो है हमें यहाँ पे भी इस नए टाटा सियरा में देखने को मिलेगा। तो आप मुझे नीचे बताओ गाइस कि आपको कैसा लगा टाटा सियरा का डिजाइन। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ईवी के रूप में आएगी जो कि एक बहुत अच्छी बात है, अगर पेट्रोल या डीजल वर्जन में आती तो और भी अच्छा होता, मतलब दो ऑप्शंस हो जाते हैं। बट देन फाइनली सियरा इज बैक एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज। और ऑटो एक्सपो के सभी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो ऑटो तत्व पे, जहां पे आपको रेगुलर फटाफट अपडेट्स जो मिलते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।